श्रवण कुमार ने जेपी नड्डा के जंगल राज के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन राज्य को जंगल राज की तरफ ले जा रहा तो क्या बीजेपी देश को मंगल राज की तरफ ले जा रही थी। उन्होंने कई मुद्दे उठाए। केंद्र सरकार ने जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था उस पर भी सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी तरफ पटना में बीजेपी कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने यह दावा ठोक दिया कि बिहार की सरकार 2 स्वार्थी और अहंकारी लोगों के बेमेल गठबंधन से चल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला कि 2023 में यह सरकार बदल जाएगी, ये सरकार नहीं चल पाएगी, तेजस्वी सरकार का नेतृत्व करने लगेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। नीतीश कुमार फिर से बिहार को जंगल राज की तरफ ले जा रहे हैं राजद के साथ। और भाई हम लोग ले जा रहे हैं जंगल राज की तरफ, वो तो मंगल राज को देश को ले जा रहे हैं ना, मंगल राज की तरफ। मंगल राज पूरे देश में चल रहा है। देश में महंगाई इतनी बढ़ गई कि 70 साल में जितना महंगाई नहीं हुआ 8 साल में बढ़ गया। मंगल देश चला रहे। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया और 8 दुनी 16 करोड़ नौकरी देश में मिलता और नौकरी वो दे नहीं रहे हैं, तो मंगल देश चल रहा है। तो कहने का मत, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, तो देश में मंगल राज चल रहा है। देश के संपत्तियों को औने पौने भाव में चंद लोगों के मुट्ठी में दिया जा रहा है, तो ये मंगल देश चल रहा है। देश सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है, OBC का अधिकार सुरक्षित नहीं है। हम लोग जब देश में गणना कराने की बात करते हैं, जाति आधारित गणना कराने की बात करते हैं, तो ये दूसरे तरह की बात करते हैं। देश में भाईचारा खत्म हो रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है। आए सब लेकर के 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए हम सब देखिए खुल करके हमने उसी को विषयांतर नहीं है, उसी विषय से जुड़ा विषय आपको कहा कि ये ठगबंधन ठगने की तैयारी है और लठबंधन की तैयारी हो चुकी है। माननीय जीतन राम मांझी जी भी अनुभवी लोग हैं और इनके सारे खेल को वो देख चुके हैं। कभी इनको मुख्यमंत्री बनाया, कभी गर्दन पर हाथ रख करके बाहर का रास्ता दिखाया और ये खेल की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र पार कर जाए यही बड़ी चीज़ है और ये खेल लंबा होगा। माननीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतार के ये लोग छोड़ेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि ये तैयारी कर चुके हैं। और मैं जो कह रहा हूँ उसकी सत्यता की जांच का लक्षण ये प्रकट हो रहा है। हम तो हफ्ता पर पहले तो हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, तो उन्होंने साफ साफ ये चुनौती दे डाली है कि बजट सत्र किसी तरह पार कर लें तो बड़ी बात होगी, यानी बिहार की सियासत में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। देखिए बिहार में सियासत तो 2023 की शुरुआत जेपी नड्डा के भाषण से ही हो गई थी, जब उन्होंने ये कह दिया कि 2024 आएगी 40 सीटें बीजेपी जीतेगी और यहां से एक तरीके से शंखनाद, जो राजनीति जो कहते हैं ना कि चुनाव की शंखनाद कर दिया है, और अब शंखनाद जो है 2023 में आपको पूरे साल ये दिखेगी क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2025 में विधानसभा का चुनाव है। तो एक तरीके से श्रवण कुमार ने जेपी नड्डा के उस बयान पर यह कह दिया कि ये लोग केवल फिजूल की बातें करते हैं, 2 करोड़ की नौकरियों का वादा करते हैं और 15 लाख बैंक में डालने की बात करते हैं, तो कहां गए उनके वादे। जो वादे वो करते हैं वो तो जमीन पे दिखता भी नहीं है और ये जो करते हैं तो केवल ये जो कहते ना कि ये जुमला पार्टी है और जुमला तरीके से है। अब उस तरीके के जो अब बयान जो बीजेपी की तरफ से भी एक तरीके से ये कहा गया कि ये जो सरकार जो चल रही है नीतीश कुमार की, ये 2 स्वार्थी लोगों की चल रही है। मतलब एक प्रधानमंत्री बनना चाहता और एक मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मतलब ये कि दोनों का एक ही मोटिव है। लेकिन एक तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, एक मुख्यमंत्री जब बनने चला तो वहां ये हो गया कि वो मुख्यमंत्री अभी तक बना नहीं है। मतलब कि साफ तरीके से तेजस्वी चाहे मुख्यमंत्री विपक्ष के द्वारा भी साफ तरीके से ये कहा जाता है कि जो ये 2 सरकारें महागठबंधन की चल रही है इसमें अराजकता और तमाम जैसे जिस तरीके से बिहार में जंगल राज और जंगल राज 2 की एक तरीके से ये नींव रखते हुए, वहीं उन्होंने साफ विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि जो ये सरकार चल रही है ये केवल तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के इशारे पर चल रही है। मतलब ये साफ है कि जो सरकार है तेजस्वी यादव के कहने, लेकिन उन्होंने एक बड़ा हमला ये करते कि जो दोनों लोग हैं कि दोनों का कोई ना कोई मतलब, दोनों का मतलब है, दोनों का स्वार्थ है और दोनों का कुछ ना कुछ, लेकिन वो स्वार्थ
इस बार पूरा नहीं होने जा रहा है। 2024 में भाजपा अपने एक तरीके से 40 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर ली और 40 सीटें जीतेगी। मतलब ये साफ है कि जो राजनीति है अब 2023 के शुरुआत से ही शुरू हो गई है और ये पूरे साल निर्णायक बनी रहेगी। चलिए राजीव, ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत में आगे क्या कुछ होता है। जो विपक्ष दावे कर रहा है वो कहां, क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपदस्थ करते हैं, और इसका तरीका क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। बढ़ेंगे आगे, आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।